मान लो तुमको कभी कभी जब टैली में जाते हो तो कोई एंट्री दिखाई नहीं देती, जैसे डेबुक में जाके हम देखते हैं, ये डेबुक है ना, हाँ डेबुक है, तो डेबुक के लिए के हाईलाइट है, तो के प्रेस करते हैं, तो जैसे के प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कोई भी एंट्री नजर नहीं आ रही है, और यहाँ पे डेट पड़ा हुआ है 1 अगस्त, तो 1 अगस्त के डेट में हो सकता है कोई एंट्री पास ना करी गई हो, तो जिसकी वजह से दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन सारी एंट्रीज को एक साथ देखने का क्या तरीका हो सकता है? तो इसके लिए हमको क्या करना है, एक शॉर्टकट की प्रेस करनी है। क्या शॉर्टकट है? ऑल्ट के साथ F2 प्रेस करना है पीरियड चेंज करने के लिए। और देखो यहाँ 1/8/2023 से 1/8/2023 ही जा रहा है, तो यहाँ पे क्या करते हैं, 1/4/2023 से लेकर और 31/3/2024 तक की पूरी एंट्रीज देख लेते हैं। हो सकता है कि 2024 में कोई एंट्री नहीं पास की गई हो, लेकिन यहां तक पूरी एंट्री दिखाई दे, तो सारी एंट्रीज ये नजर आ रही है, दिख रहा है ना? ठीक है, जो भी डेटर वाली एंट्री है वो बेचने की एंट्री हुई है, जैसे ये अविनाश डी है, सौरभ डी है, तो ये सब डेटर पार्टीज के नेम है, और ये क्रेडिटर पार्टी का नाम है, राम और राजू लिखा हुआ है ना, ये क्रेडिटर पार्टी का नाम है। ठीक है, तो ये इस तरीके से अगर एंट्रीज ना दिखाई दे रही हो तो यहाँ से आप डेट चेंज कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए कि आपको केवल अप्रैल की एंट्री देखनी हो, तो आप यहाँ से ऑल्ट F2 करिए और 1/4/2023 से लेकर, 20 वाला डेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, आप 1 कर लीजिए यहाँ पे, ये जो कि एजुकेशनल मोड है, 1/5 कर लीजिएगा, 1/5/2023 को यहाँ पर ये आ जाएगा। तो ये इस तरीके से 30 से 1 से 1 अप्रैल से लेकर 1 मई के बीच की ये एंट्रीज है, तो जब भी बीच की एंट्री निकालनी हो तो यही टेक्निक अपनाइएगा। ठीक है, सेल्स की एंट्री पास करते समय एक चीज जानना बहुत जरूरी है, वो ये है कि जब भी आप सेल्स करेंगे तो परचेज वाली एंट्री होनी चाहिए भाई। आप ऐसा तो है नहीं कि आप घर पे बनाते हैं सामान, बिस्किट बनाते हैं, टॉफी बनाते हैं, कहीं से परचेज करके लाते हैं, तो जब कहीं से परचेज करके लाएंगे तो उसकी एंट्री देनी पड़ेगी कि हम इतने में लाए हैं तो उससे ज्यादा का ही बेचेंगे, तो इसके लिए हम परचेज की एंट्री जरूर पास करते हैं, तभी सेल्स की एंट्री पॉसिबल होगी। ठीक है, चाहे वो स्टॉक आइटम बनाने का हो, चाहे वो लेजर बनाने का हो, चाहे कोई भी एंट्री हो। ठीक है, तो यहाँ से अभी क्या करेंगे, यहाँ से अभी चलेंगे वी बटन प्रेस करके सेल्स वाउचर में। वाउचर में जाने के बाद क्या करना है, यहाँ पे आ गए सेल्स वाउचर में, F8 प्रेस कर लेते हैं, सेल्स वाउचर में आ जाते हैं, तो ये आ गया सेल्स वाउचर में। अब यहाँ पर कोई भी ये जो बिल नंबर है वो डाल दिया हमने, यहाँ पर रेफरेंस नंबर डाल देंगे। ठीक है, और यहाँ पर वो डेट आएगी जिस डेट पर हम सामान बेच रहे हैं। ठीक है, अब ये मान लीजिए डेट आ गई, अब यहाँ पर कोई एक डेटर पार्टी का नेम आएगा, जैसे मान लीजिए यही डेटर पार्टी है, डेटर पार्टी यानी जो सामान खरीद रहा है आपसे। ठीक है, आप जिसको सामान बेच रहे हैं वही आपकी डेटर पार्टी है, या यूं कह लें कि जो आपसे सामान खरीद रहा है वही आपकी डेटर पार्टी है। तो मान लीजिए अविनाश सामान खरीद रहे हैं तो यही डेटर पार्टी हो गई, और एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, यहाँ पर सेल्स अकाउंट का लेजर आता है। अब कभी कभी दिक्कत क्या करते हैं कि यहाँ पर स्टॉक आइटम बनाना शुरू कर देते हैं, तो स्टॉक आइटम जब बनाएंगे तो भाई परचेज में तो एंट्री हुई नहीं, तो टोटल गलत एंट्री हो जाती है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपने बना लिया, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ लिख देता हूँ पाइथन बुक, पाइथन बुक, तो ये लिख दिया पाइथन बुक। अब जैसे ही पाइथन बुक लिख करके एंटर करते हैं, एंटर करते हैं, तो पाइथन बुक किस में बिकेगा, क्वांटिटी में बिकेगा, या एनओएस कर देते हैं नंबर्स में, नंबर्स में बिकेगा, एनओएस सिंबल हो जाएगा इसका, और यहाँ लिख देते हैं नंबर्स, ये तो हो गया, समझ में आती है बात। और यहाँ एन प्रेस करेंगे तो यूक्यूसी कोड नंबर्स आ जाएगा, आ गया। अब ऐसा तो है नहीं कोई पाइथन का किताब खरीदेगा तो 2 को खरीदेगा, 2.75 को खरीदेगा, 2.75 को खरीदेगा, तो 1, 2, 3 ऐसे ही खरीदेगा, इसलिए 0 रखा यहाँ पे। एंटर करेंगे, एंटर करेंगे, एंटर करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे, और ये किस गोडाउन में रखा गया, तो जैसे मान लीजिए, अब वैसे तो गोडाउन की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन चलिए बनाया हुआ है तो इसी में डाल देते हैं, 5 रख दिया इस गोडाउन में। अब देखिए तुरंत यहाँ क्या आएगा, नेगेटिव स्टॉक आ रहा है, क्योंकि हमने परचेज में एंट्री नहीं करी और सीधा सेल्स में पास करने आ गए, जिसके वजह से ये नेगेटिव स्टॉक आता है। तो अभी आपको ये गलती नहीं करनी है, ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। ठीक है, समझ में आई बात?